नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए डेली एक वीडियो लाता हूं घर बनाने से संबंधित। तो आज भी एक वीडियो लेकर हाजिर हूं और इस वीडियो में मैं आज आपको एक बनता हुआ घर जो कि 25 फीट बाई 25 फीट का है, मतलब टोटल एरिया का बात किया जाए तो 750 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 बेडरूम मिलता है। तो इस बनते हुए घर का आज मैं आपको वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूं और इस वॉक थ्रू दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इस एरिया के आसपास का एरिया में, मतलब 25 फीट बाई 25 फीट का एरिया में अगर आप घर बनाने वाले हैं तो आप इस डिज़ाइन को देखते हुए बहुत कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस घर का जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से रखा गया है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए घर के अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो घर का मेन एंट्री है उसका दोस्तों जो साइज़ है वो लगभग 4 फीट चौड़ा दरवाज़ा रखा गया है और 7 फीट उसका हाइट है। मेन डोर इससे छोटा नहीं रखना चाहिए दोस्तों। चलिए अंदर चलते हैं और जैसे ही आप घर में इंटर करते हैं तो आपको एक मिल जाता है दोस्तों हॉल, जिसका साइज़ रखा गया है सारा 16 फीट बाई 12.5 फीट। आप देख सकते हैं एक बड़ा साइज़ का आपका हॉल है। ये आपका वेटिंग रूम का भी काम करेगा और बगल में ही किचन है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो डाइनिंग एरिया के रूप में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बीच भी दोस्तों एक गली दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे वर्क किया गया है, सामान वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहीं से पहले मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को ये वीडियो है वो अच्छे से समझ में आए। घर में एंट्री के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉल है और उसी के बगल में देख रहे हैं तो आपको मिल जाता है दोस्तों बेडरूम, के पहला बेडरूम है। और उसी के अपोजिट देखेंगे दोस्तों तो आपको मिलता है फिर दूसरा बेडरूम, मैं वहाँ पे ले जाकर दिखाऊंगा, साइज़ दिखाऊंगा, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए। फिर उसके बगल में आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे किचन और फिर यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों आपको तीसरा बेडरूम। चलिए मैं आपको जल्दी से पहला बेडरूम की तरफ ले कर चलता हूँ, देख लीजिए। तो ये दोस्तों आपका पहला बेडरूम है और लिंटर लेवल का काम कम्प्लीट हो चुका है, इसमें आपको एक विंडो भी देखने को मिल रहा है। बात किया जाए इस बेडरूम का साइज का, तो इस बेडरूम का साइज़ दोस्तों 12.5 फीट बाई 12.5 फीट रखा गया है, देख लीजिए। काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम आपको मिलेगा और इसके ऊपर दोस्तों सामान रखने के लिए छज्जा भी बनाया गया है, आप देख लीजिए कुछ इस तरीक़े से यहाँ पर छज्जा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि छोटा घर में आप सामान रखने का जो किल्लत होता है उसको आसानी के साथ आप अपना काम है वो निकाल सकते हैं। और यही छज्जा को दोस्तों देखेंगे तो जो बगल वाला रूम है बेडरूम वहाँ पे भी निकाला गया है और उसके बीच में जो गली है उसमें भी यहाँ पे इसे स्लैब को ढाल दिया गया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख पाएँ। मैं इसके बारे में अभी आगे आपको बताऊँगा, पहले आप दूसरा बेडरूम को भी देख लीजिए। बात किया जाए दोस्तों इस बेडरूम का, तो यहाँ पे भी आपको एक विंडो देखने को मिलता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ इस बेडरूम में भी आपको छज्जा देखने को मिल रहा है, जैसा कि बगल वाला रूम में आपको छज्जा देखने को मिला था, देख लीजिए। बात किया जाए इसका साइज का, तो इसका साइज रखा गया है 10 फीट बाई 9 फीट का। आइए इसके बगल में आते हैं दोस्तों, तो आपको मिल जाता है किचन, जिसका साइज यहाँ पर रखा गया है 5 फीट बाई 9 फीट, देखिए। और यहाँ पे एक आपको विंडो भी देखने को मिल रहा है, ये देखिए सिंक वगैरह का ये जगह छोड़ा गया है। अभी काम चल ही रहा है, जब आने वाला दिन में ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। फिर इसके बगल में बात किया जाए
वो दूसरा बेडरूम था या किचन था। फिर उसके बगल में देखेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाता है तीसरा बेडरूम। ये तीसरा बेडरूम है और इसका भी सेम साइज रखा गया है दोस्तों, 9 फीट बाई 10 फीट का। इसमें भी आपको एक विंडो देखने को मिल रहा है, हालांकि अगर आप चाहें तो इधर भी विंडो खोल सकते हैं अगर जगह बने तो। इस रूम को आप गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टडी रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपका जो हॉल था उसी का अपोजिट साइड में है, अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए मैं आपको एक बार और फिर से समझा देता हूँ। ये इस घर का एंट्री था, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री लिया था घर में। जैसे ही एंट्री करते हैं आप घर में तो आपको मिल जाता है एक हॉल, फिर आपको मिलता है पहला बेडरूम, फिर आपको मिल जाता है बगल से आपको गली पीछे जाने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोस्तों पार्टीशन वाल दे के बाथरूम बना सकते हैं आधा गली के उधर। फिर वो दोस्तों आपका दूसरा बेडरूम, यहाँ पर आपका किचन है और ये आपका दोस्तों है तीसरा बेडरूम। तो इस टाइप से दोस्तों काम यहाँ पर करवाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सामान रखने के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए ये जो गली आप देख रहे थे उसके ऊपर दोस्तों स्लैब ढाला गया है यहाँ तक, जो कि आपको रूम का जो छज्जा है वहाँ पे छज्जा का भी आपको काम हो जा रहा है दोनों रूम पे, और इसके ऊपर आप सामान आसानी के साथ रख पाएंगे। और यहाँ से जो आप वाल करेंगे, वाल करने के बाद फिर छत होगा, तो इतना दूर आपको आसानी के साथ सामान रखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पर बॉक्स भी वाला डिज़ाइन भी बनवा सकता है। अभी लिंटर लेवल तक ही इसका काम हुआ है, इसके ऊपर अभी 2.5 फीट और जोराई होगा, फिर उसके बाद में छत दोस्तों ढलाई होगा, तो ये आपको स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए। हालांकि इस रूम में, इस घर में अभी आपको स्टेयर रूम देखने को नहीं मिल रहा है। स्टेयर रूम अभी इसका बाद में प्लानिंग किया जाएगा, या फिर बाहर से भी आप स्टेयर लगा सकते हैं। कुछ लोग गाँव में देखते होंगे तो लोहे का भी दोस्तों स्टेयर है उसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम आता है और जगह भी उससे बच जाता है आपका, कम जगह में ही वो बन जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो घर बना रहा है या फिर घर बनाने के बारे में सोच रहा है तो उन तक भी इस वीडियो को पहुँचा दीजिए ताकि उनका हेल्प हो सके। बात किया जाए कॉलम का, तो आप कॉलम भी यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 9 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। आप देख लीजिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, फिर वो तीसरा, फिर अगला लाइन में चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां, आठवां और नौवां, मतलब टोटल इसमें 9 कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, जिसका साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। और जो इसका प्लिंथ बीम देख रहे हैं आप, ये दोस्तों ज़मीन से लगभग 2.5 फीट ऊंचा रखा गया है, हालांकि ठीक ही है क्योंकि रोड से देखा जाए तो रोड से ये लगभग 3.5 फीट के आसपास में ऊंचा हो जाता है प्लिंथ बीम कुर्सी, तो ये अच्छा माना जाता है, 3 फीट से ऊंचा कम से कम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।